साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 8 बज चुके हैं और 8 बजे लगभग आप लोगों से लाइव रूबरू होने के लिए मैंने आप लोगों को मैसेज डाला था। और आज का जो लाइव है उसमें काफ़ी आपके सवाल है, जो सवाल आप लोगों के मन में द्वंद्व जो चल रहे हैं उन लोगों को लेके ही, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। याचिका लग चुकी है और लिस्टेड भी हो चुका है केस और डेट भी मिल चुकी है। जहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका फेल होती है, लोगों के हकों की आवाज़ नहीं उठाई जाती है, वहाँ पे न्यायपालिका अपना न्याय करती है। उसी के संदर्भ में हम न्याय की उम्मीद के साथ उस न्यायपालिका के दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं। और जितने भी युवा साथी मेरे जो लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार वो सभी लाइव जुड़ जाएं। बिल्कुल कृष्णा जी, हरिओम जी, सुनील जी, गोस्वामी, अक्षय कुमार जी, बिल्कुल राम राम, आप सभी का अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कादिर खान जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, हरि ओम। लखारा जी, 15 को क्या हुआ, सब हुआ होगा, वो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, एक बार लाइव जुड़ जाएं। बहुत सारे लोगों के मैसेज ये भी आ रहे हैं कि फॉर्म भरें नहीं भरें। बहुत सारे लोगों के ये है कि याचिका कब लगेगी, कहाँ लगेगी, क्या हुआ है। बिल्कुल दोनों जगह पेपर में आना ज़रूरी नहीं है, धमाका होना ज़रूरी है। पेपर में तो वो लोग भी निकलवा रहे हैं जो अपनी तरफ से भी याचिका लगवा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में एक माहौल बना रहे। फोरम के बारे में मैं बताऊंगा। बिल्कुल पिटिशनर का जो लोगों को लग रहा है कि पिटिशनर हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो हम सभी के युवाओं के हित की बात रख रहे हैं, सारी बातें कर रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद पिटिशनर बन रहा हूं। राधे राधे, बिल्कुल। चलो लाइव लगभग जुड़ रहे हैं। उदय कुशवाहा जी सरपंच, बिल्कुल नमस्कार, धौलपुर से। एक बार युवा जितने भी साथी है वो अपने युवाओं तक आवाज पहुंचा दे, क्योंकि ये बीड़धारियों की आवाज मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बीड़ा, बहुत बड़ा बीड़ा है राजस्थान के युवाओं के लिए, स्पेशल टीचर का भी, सब सारे सभी मुद्दे में रखने की कोशिश करूंगा। आपके कमेंट का भी आज जवाब दूंगा मैं, आप लोगों से जितने मैं लाइव जुड़ रहा हूं। देखो पहली बात मैं रख रहा हूं, यहां पे दो जगह हमने याचिका लगाई है। यही तो बात है ना सर, याचिका क्या डेट भी मिल चुकी है, सुनवाई 21 तारीख को है। चलो आगे बात करते हैं। दो जगह हमने याचिका लगाई है। राहुल मीना जी, लव यू टू, ओके। अब मेरी बात सुने, फॉर्म भरे, इस सारी बातें मैं आपके मैसेज के जवाब दूंगा। पहली बात, याचिकाएं दो जगह लगी है, जयपुर और जोधपुर। जयपुर में याचिका की डेट मिल चुकी है। देखो कई लोग ये कह रहे हैं 19 तारीख वाली आपकी याचिका है क्या, 20 वाली आपकी है क्या, नहीं ये हमारी नहीं है, हमारी टीम के द्वारा नहीं लगाई गई है। हमारी जो कोर टीम का जो डिसीजन है उस हिसाब से हमारा ये नहीं है, लेकिन 19-20 को भी हमारे एडवोकेट वहां पर खड़े होंगे, एडवोकेट का जो पैनल है, क्योंकि सेम मैटर है और कोर्ट इस चीज को भी देखते हैं। दूसरी बात, कई लोग ये पूछ रहे 19 को क्या है, 20 को क्या है। देखो इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो जो याचिका अदर लोगों ने लगाई है, उनका एक का मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है। चलो अपनी याचिका को बता देता हूं मैं, अपनी याचिका 21 की, उसकी सुनवाई है, देवेश कुमार नाम से याचिका लगी है, देवेश कुमार धौलपुर से, मेरे अजीज मित्र। और दूसरी जो याचिका लग रही है, दूसरी जो याचिका है वो जोधपुर से मुकेश कुमार के नाम से है। हाँ कई लोगों को नाम से अब थोड़ा दिक्कत होगा, तो सब कुछ चीजें ओपन तो अब करनी है, बहुत सारी चीजें अब छुपा के मैंने बहुत दिन रख लिया। वकील कौन है, वकील, एडवोकेट, एडवोकेट भाई साहब, दो एडवोकेट तो आप लोगों के सामने नाम आ जाएंगे, क्योंकि जब याचिकाओं के नाम आ रहे हैं तो दो एडवोकेट के नाम आ जाएंगे, और चार एडवोकेट अभी छुपे पड़े हैं। आप चिंता ना करें, एक सीनियर एडवोकेट भी हमने उतारा इस मैटर के लिए। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने, बहुत सारी पहलू धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मैं उन चीजों को भी जान रहा हूं कि जो हमारे खिलाफ जो बैठे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। देखो 11 सदस्यों की हमारी एक कोर टीम है, सही तरीके से सो भी नहीं पा रही है। भर्ती रद्द कराने भैया, भर्ती को बिल्कुल रद्द नहीं कराएंगे, तैयारी कर ले, 25 तारीख को एग्जाम होगा, कान खोल के सुन ले। आगे सुने, 19 तारीख की जो याचिका लगी हुई है
उसके साथ जो एक याचिका लगी थी खलील अहमद खान जैसे एडवोकेट ने इन्होंने लगाई है, उस याचिका को जिस प्रकार से वेटेज दिया गया है कि ये बीएड वालों के लिए लगी है, तो उस याचिका के ड्राफ्ट मैंने पढ़े हैं, उस ड्राफ्ट में किसी भी प्रकार की हमारे फेवर की बात नहीं कही है। बहुत सारी याचिकाएं लगेगी, हमें भ्रमित करने वाली बात भी कही जाएगी। तो अशोक बिश्नोई आपको सादर नमन प्रणाम, आपने जो लिखा उसके लिए। 19 तारीख या 20 तारीख की जो भी ये याचिकाएं हैं, अब वो बात गौर से सुने कि जो याचिका हमारे अगेंस्ट के रूप में भी लगाई जा सकती है, हमारे फेवर में भी हो सकता है, उन पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनके ड्राफ्टिंग में एक बात रखी हुई थी स्पष्ट तौर से कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, यानी विधि के अनुसार सब भी समान है, ये 14वें अनुच्छेद में है और 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इस प्रकार की जो बात थी, इस प्रकार की उन्होंने बात रखी, ना कि कोई एनसीटी की कोई गाइडलाइन रखी है, ना कोई कोर्ट के जजमेंट रखे हैं, ना किसी प्रकार के राज्यों के नोटिफिकेशन को रखा है। तो हम मैं किसी प्रकार से ये नहीं मान सकता कि ये याचिकाएं जो और लगी है वो हमारे फेवर की है, नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो हमारे साथ हमारे प्रकार की। लेकिन एक बात क्लियर है, हमने जो ड्राफ्टिंग तैयार की है वो शानदार करवाई है। हमारे एडवोकेट साहब जिनका नाम और परिचय के आप मोहताज, आप वेट कर रहे होंगे कि उन एडवोकेट साहब का नाम मैं ले लूं, तो एक बार और भी वेट करें, कल मैं उनके साथ कुछ तस्वीरें हैं वो साझा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है इस बात को, तभी मैंने उन एडवोकेट को उतारने की कोशिश की है। उनके पास भी कई छेदी पूछने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हर बात मेरे साथ शेयर की है कि हाँ असलम इस प्रकार की बातें हैं, और हमें चाहे कोई कुछ भी कहे तो उनको भी, जो हमारे पास आएंगे उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी दोनों साइड से। अब एग्जाम कब होगा ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। इसी बीच में एक आवाज़ दे देता हूँ आपको, एक बात बता रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है, शायद तक आपके मोबाइल में मिस्टेक हो सकती है, सर सभी को आ रही है। 19 तारीख को मैं धौलपुर के दौरे पर रहूँगा, धौलपुर के हमारे जो सरपंच साहब है उन्होंने आमंत्रित किया है बीएड वाले की आवाज़ों के लिए, तो सबसे पहले धौलपुर को हमने चुना है, उस वीर भूमि को चुना है, वहाँ पर जाने का निर्णय लिया है। हालांकि अन्य जिलों से भी हमें पास आने के लिए आमंत्रण आ रहा था, लेकिन हम धौलपुर को जा रहे हैं पहले, और 19 तारीख को जगह और स्थान आपको कल आप मेरे पेज पे मिल जाएगा। धौलपुर के जितने भी युवा साथी है वो जरूर पहुंचे और इस बात को समझे कि हम किस प्रकार की बात रख रहे हैं, वो आगे चले। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम 25 को ही होगा। हम किसी भी प्रकार से सभी युवा साथियों को ये कहना चाहते हैं कि प्रभावित ना हो, इस बात को गौर से समझे कि एग्जाम कब होना है, तो 25 की डेट दी हुई, तो 25 के लिए अपने को तैयारी करनी है। और जो दिक्कत है सबसे ज्यादा किसी लोगों को कि एग्जाम आगे जाएगा कम जाएगा, तो वो चीजें छोड़े, लेवल प्रथम की जो तैयारी कर रहे हैं जो युवा साथी लेवल प्रथम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि आप तैयारी जारी रखें, फिर ये मत कह देना कि तैयारी नहीं हुई। दूसरी बात, एक अभी कमेंट पढ़ा है मैंने PIL या जनहित याचिका का कि भैया इसमें कॉमन डिसीजन करवा दीजिए, जनहित याचिका लगा दीजिए जिससे हमें दिक्कत ना हो। जनहित याचिका के संदर्भ में, जनहित याचिका ये होती है कि जिसमें सभी लोग जन प्रभावित होता है, आपके परिवार को ही ले लो, आप खुद प्रभावित जरूर है इस भर्ती से या इस मैटर से, लेकिन आपके पापा मम्मी वगैरह भाई बहन वो प्रभावित नहीं है, वो जनहित में नहीं आता है, एक छोटा सा स्पेस लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल 50% से कम वाला व्यक्ति भी बैठ सकता है बीएड में, ये कमेंट आया कैलाश जी का, तो उसमें 5% की वो छूट दी गई है। जोहार बिल्कुल नरेश शर्मा जी, कई लोग ये कह रहे हैं पिटिशनर, तो पिटिशनर से क्या हो रहा है, तो इनका भी मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं खुद पिटिशनर बन रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमारे एडवोकेट साहब ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमारा जो पहला प्रयास है कि सभी लोगों के लिए कॉमन डिसीजन हो, लेकिन यदि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तहत तर्ज पे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तर्ज पे यदि ये मामला लंबा खींचा जाए, ये मामला थोड़ा लंबा खींचा जाए और लंबे की वजह से सुवाई सिंह जी विज्ञान शाह जी नहीं है, विज्ञान शाह जी हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हाँ ये मामला थोड़ा लंबा खींचा जाए, और लंबा अगर खींचा जाता है तो सरकार की तरफ से
पूरी बात को कोशिश करती है। और हम ये चाहते हैं कि जो कोर्ट कई बार ऐसा कह देते हैं, जो प्रभावित है, जिन लोग जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या जो पिटिशनर है या याचिकाकर्ता है, पिटिशनर के बारे में कई लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि जो याचिकाकर्ता है उन लोगों को एग्जाम में तो बिठाओ, बाद में बाद का देखा जाएगा। और दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन में इस प्रकार से लिखा गया कि नियुक्ति पे विचार किया जाएगा, तो कोर्ट भी ये कह सकते हैं नियुक्ति पे विचार होता रहेगा, पहले इनको एग्जाम तो देने दो। तो इस प्रकार की कोई बात आए, इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो उस आधार पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने सभी लोगों को पिटिशनर बनने के लिए कहा था। आप लोग जो लाइव देख रहे हैं आपको भी मैं आज कह रहा हूं, मैं खुद पिटिशनर बन रहा हूं और आप लोग भी पिटिशनर बने, कहीं आपको ये ना लगे कि बाद में लेट हो गया। क्योंकि पंजाब हरियाणा वाला जो कोर्ट का जो आदेश आया था वो किस तर्ज पे आया था, जिस दिन लास्ट डेट थी एग्जाम भरने की, फॉर्म भरने की, उस दिन आदेश आया था, फिर पिटिशनर को ही ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए थे। अब आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि फॉर्म हम भरे या ना भरे, तो बेझिझक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेवल सेकंड के, लेवल फर्स्ट का इसके साथ भर देंगे, कई लोग ये कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप एक तारीख तक वेट कर ले, हो सकता है हमें कुछ अच्छा मिल जाए, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का एक साथ फॉर्म भर दे, एक तारीख तक अगर कोर्ट हमारे फेवर में कुछ लंबी बातें और चलती है तो आप लोग सेकंड लेवल का फॉर्म भरे और आपको ऑफलाइन फॉर्म मांग लिए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म मांग लिए जाएंगे। और किन से मांग लिए जाएंगे कि जो याचिका करता है उनके, क्योंकि ऑनलाइन अगर फॉर्म मांगे जाते हैं तो हर कोई भर देगा, मैं ही भर दूंगा, वो भी भर देगा, ये भर देगा, सारे भर देंगे। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म से ये होगा कि जो पिटिशनर होंगे वो ऑफलाइन ही दे पाएंगे, जिनके कोर्ट के नाम से आदेश होगा। तो आप सभी लोगों से मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। आज भी बहुत सारे युवा साथी जो अपने मेरे कार्यालय में आके जो अपने फॉर्म दे के गए हैं पिटिशन बनने के लिए, तो उनके फॉर्म मैं अभी एडवोकेट साहब के पास पहुंचा रहा हूं और हमारी टीम काम कर रही है। अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो ये 10 सदस्यों की जो टीम है वो उसी काम में लगी हुई है। तो मैं आप लोगों को, आपके सभी सवालों का जवाब मैं देता हूं, क्योंकि पिटिशनर बनना और पिटिशन लगाने में इस बात में फायदा होगा कि कहीं कोर्ट 1% आपके हित में ऐसा फैसला दे दे तो किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। और मेरा पूरा प्रयास है सभी लोगों के लिए काम करना, और अगर कोई पिटिशनर को शामिल कर लिया गया है और वो केस एग्जाम में सफल हो जाता है, उसकी भी अंतिम प्रयास के लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे हमें कहीं तक भी किसी भी न्यायालय के दरवाजे खटाने पड़े, क्योंकि मुझे उम्मीद है हमारे फेवर में सरकार भी आएगी जल्द, आप चिंता ना करें, इसमें भी मेरा कार्य किया जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सहयोग किया था, आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम भी पिटिशनर बनना चाहते थे। तो आप सभी लोग पिटिशनर बनने के लिए जो इच्छुक है वो आए, आप लोगों ने जो सहयोग किया उससे हम दो केस लगा चुके हैं, एक जयपुर में भी लगा चुके हैं, एक जोधपुर भी लगा चुके हैं। और तीसरा जो हमने सीनियर एडवोकेट से जो हमारी बात हुई है, सीनियर एडवोकेट से जो बात हुई है, वो सीनियर एडवोकेट की आज तक हम अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फीस को जितने भी, क्योंकि आपको पता है सीनियर एडवोकेट कितने रुपए लेते हैं, सभी को पता है बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध भी कर रहा हूं कि आप थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि हमारे इस टीम को आप सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। 25 तारीख को जो पिटिशनर है, कम से कम वो हो सकता है, मैं सभी को गौर से सुन लीजिए, 25 तारीख का जो एग्जाम है मैं पिटिशनर को तो कन्फर्म बिठाऊंगा। कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डेट ले लेंगे, हम वकील से ऐसे बात करेंगे, डेट ले लेंगे, आगे उनको एग्जाम तक नहीं होने देंगे। 25 अप्रैल तक बहुत डेट पड़ी है और इतने पिटिशनर मेरे पास है कि मैं खड़ा कर दूंगा हम कितने नए केस लगा दूंगा। मैं पूरे प्लान के साथ काम कर रहा हूं, फिर भी मेरे आप लोगों का सहयोग चाहिए। अभी एक नंबर पिन करवाया है मेरी टीम ने, ये इनसे संपर्क करें, 80-580-92-646, और दूसरा है 70-179-344-79. तो इन नंबरों पे आप संपर्क करें, वो सभी आप लोगों को सारी जानकारी साझा कर देंगे। दूसरी बात,
सरकारी कर्मचारी बहुत सारे कह रहे हैं हम पिटिशनर बनना चाहते हैं लेकिन हम बन नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया अंतर मीणा जी, धौलपुर पहुंच रहा हूं 19 को पूरी टीम के साथ। सरकारी कर्मचारी बेझिझक अपने हक की लड़ाई के लिए न्यायालय जा सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, वो जो लोग ये पूछ रहे कि क्या हमें पिटिशन बनने के बाद कोर्ट आना पड़ेगा, तो कोर्ट नहीं आना है आपको। दूसरी बात यह है कि आपको कोर्ट नहीं आना है, किसी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रजनीकांत जी बिल्कुल दोसा से, और किसी प्रकार से कई लोग आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिना झिझक के मेरे नंबर, मेरी टीम के नंबर मैंने आप लोगों के सामने रख रखे हैं, आप अपनी बातों को रखें, कई सुनी बातों पे बिल्कुल भी गौर ना करें। हम काम कर रहे हैं, एक हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको कोई लोग संभाल नहीं पाते हैं, कई अन्य लोग जो हमारे विपक्ष के हैं। शुक्रिया दीपक जी, दीपक सांवरिया जी मेरे बहुत अजीज मित्र है, वो लोग उन ग्रुप में कोई अश्लील बातें ना डाले, इसलिए हम कई बार उसकी चैट म्यूट कर देते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने काम से काम लगे हैं, पूरे दिन की ये फाइलें वाइलें तैयार हो रही है, अलग अलग प्रकार की, हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार करता हूं, ये फाइलें तैयार हो रही है। अभी मैं वापस इसके बाद में आपसे लाइव रूबरू होने के बाद में मैं वकील साहब के पास, इनके पास जाऊंगा, हर प्रकार की काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, बहुत सारे लोग आएंगे, कोई किसी मुद्दे की बात करेगा, कोई किसी मुद्दे की बात करेगा, आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कतई प्रकार से कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ये बात क्लियर है कि आप पिटिशनर बने, जयपुर आने की भी कोई जरूरत नहीं है पिटिशनर बनने के लिए। मैंने हर क्षेत्र से अपने दोनों जो नंबर दे रखे हैं वो आप लोगों को, उनको डॉक्यूमेंट भेज दें और उनसे बात कर ले, वो आपको वहीं से ही आपके घर बैठे ही, जो बहनें भी घर पे बैठी हैं जो सुन रही है मुझे, उन लोग उनको भी मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल हनुमानगढ़ सुरेंद्र जी आऊँगा मैं, इसके बारे में हमारी वो चल रही है, प्लानिंग चल रही है हनुमानगढ़ की, गंगानगर की, और इसके अलावा धौलपुर के पश्चात हमारा उदयपुर का प्लान है। तो एडवोकेट SRG टेलीग्राम चैनल 4 दिन से बंद इसलिए पड़ा है, मैं इस काम में लगा हूं, टीम काम में लगी है, कोई बंदा अगर ऐसा एक्टिव है जो जयपुर है जो संभाल सके तो वो मेरे पास ऑफिस में आ जाए, और जो नंबर मैंने डाल रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारी बातें करें। और कोई सवाल है तो आप रखें, मेरी बातों को अगर कोई चीज रह गई तो मैं एक बार और देख लेता हूं। हमारी जो टीम जो काम कर रही है वो ड्राफ्टिंग का अच्छा काम कर रही है, हमने एक एक ड्राफ्टिंग को देखा है, क्रोली भी आएंगे, आप जब बिल्कुल बिल्कुल आप नौकरी लगे, आपको क्लियर कर देता हूं, केस लग गया है, 21 तारीख को इसकी सुनवाई है, जिनको जलन हो रही है वो होने दीजिए। बाड़मेर भी आएंगे, सभी राज्य के युवाओं के साथ पूछने की कोशिश करूंगा, एडवोकेट के नाम बता दिए जाएंगे आपको पता ही चल जाएगा, कोई चिंता ना करें। 2016 साइंस मैथ के संदर्भ में जल्द ही मेरी बात हुई है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने भी अवगत कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। भीलवाड़ा भरतपुर इसके बाद में ही दौरा है, मेड़ता से बिल्कुल सुभाष जी जान गए, मेड़ता सिटी से आप नगर अध्यक्ष हैं हमारे राजस्थान रोजगार महासंघ के। एक जो प्रमोटेड स्टूडेंट है उनके बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, प्रमोटेड स्टूडेंट भी याचिकाकर्ता बन सकते हैं बिल्कुल भर सकते हैं 45% वाले, जो भी चीजें हैं अलवर वगैरह जो भी है मैं कोशिश करूंगा आने की, जितना मेरे पास बहुत कम समय है, आप लोग भी सुन लीजिए, जो याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं वो लेट ना करें, अगर आप जयपुर के आसपास से हैं या फिर 2-3 घंटे का आपके पास टाइम है आने का रास्ते का, तो आप लोग याचिका के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जयपुर पहुंच जाए, जयपुर अपना टोंक फाटक पे ही ऑफिस है, और जितने भी संस्कृत डिपार्टमेंट की कल विनीत यादव जी सुनवाई है उस पर बहस होगी, मेरी आज ही बात हुई, हमारी पूरी कोशिश है। अंतरमीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, भीलवाड़ा भी आएंगे, पुष्पेंद्र जी आप जब आमंत्रित करेंगे जालौर भी आएंगे, कोशिश पूरी रहेगी हमारी,
स्टे लेने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, आप तैयारी करें। आपको आज भी कह रहा हूं मैं, और किसी व्यक्ति विशेष के टोंक से भी इंसाफ अली जी, सवाई माधोपुर देखो जिले का आपका कोई क्वेश्चन है वो रखे, जिले की हम बात रखेंगे, वैधता को लेके भी मैं बात रखूंगा। आपका प्रतिनिधि मंडल मुझसे आके मिले, वैधता वाले 2017-18 वाले, बिल्कुल बिल्कुल मेवाड़ तो बिल्कुल आएंगे, इच्छा भी है मेवाड़ की, काफी दिन हो गए मेवाड़ आए हुए। हाँ, आगे मैं जो कह रहा हूं वो बात सुने, कि किसी भी प्रकार से ये मत सोचे कि कुछ नहीं होना है। जो चीज मैं कह रहा हूं वो क्लियर कह रहा हूं, क्लियर कट कह रहा हूं, कि 100% हमारा जो पहला प्रयास है वो लेवल प्रथम में बीएड धारियों को बिठाना है, फिर दूसरा प्रयास हम उनको केस भी जिताएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे। हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है, ऐसे ही हम नहीं बैठे हैं। और बिल्कुल देखो, याचिकाकर्ता नहीं है उनका क्या होगा, यह प्रश्न मैंने अभी पढ़ा है। देखो मैं आपको आज भी कह रहा हूं, हमारा पहला प्रयास यह है कि याचिकाकर्ता ज्यादा से ज्यादा बनाए, और हमारा उसके साथ यही प्रयास है कि सभी व्यक्तियों के लिए कॉमन डिसीजन हो। देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कोर्ट के मामले को, मेरे खुद के नाम से 9 जनवरी 2020 को आदेश हुआ है जोधपुर हाईकोर्ट से, और उसी के संदर्भ में मैं ये बात बोल रहा हूं कि केवल मैं अकेला पिटिशनर था और 2500 तक का ऑर्डर लेके आया था, और लगभग 387 लोगों को नौकरी का सवाल था। जब आपका मामला नौकरी का होता है तो जो ज्यादा नंबर वाले होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ये मामला एग्जाम में बैठने वाला का है, तो कोर्ट कई बार मामला लंबा खींचता है तो कोर्ट ये कहते हैं कि हां एक बार एग्जाम में बिठाओ। तो एग्जाम में बिठाने का अगर इस प्रकार का आदेश हो जाए, जिस प्रकार से ये हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है, मेरे हाथों में ही पड़ा है, अगर आप लोग इसको पढ़ सकते हो तो शायद उल्टा आएगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड आप होल्ड करें। आप आराम से देखें इस आदेश को, तो ये जो आदेश था वो हरियाणा हाईकोर्ट का था, इसमें केवल पिटिशनर को मौका मिला था। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि बीएसटीसी वालों को प्राथमिकता मिल जाए, तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश का 22 नंबर पैरा पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट तौर से सरकार को फटकार लगाई हुई है कि किसी प्रकार से, देखो भाई लोगों आप भी जाग जाओ, बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, हमें तोड़ने की, हमें खराब करने की, और बहुत सारी रणनीति भी बना रहे हैं। फॉर्म अभी नहीं भरना है लेवल फर्स्ट का बीएड वाले, आपको कोर्ट कहेगा तब भरना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जितने भी लोग जुड़े, बाकी की चर्चा के लिए कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में रोज लाइव आने की। बिल्कुल, जिनके अखिलेश जी जिनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए पिटिशन वाले, वो मैंने एडवोकेट के पास सामने मैं उसको भेज रहा हूं। अगर और कोई सुनवाई किसको है, अगर आगे भी कोई सवाल है आपके तो आप मेरे सामने रखने की कोशिश करें, ताकि मैं इस बात को, प्रमाण पत्र की वैधता को लेके मैं बोल चुका हूं, आपका प्रतिनिधि मंडल आके मुझसे मिले, हम कोशिश करते हैं इस मुद्दे पे बात रखते हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि सूरतगढ़, बिल्कुल मेरा बहुत आने का मन है अविनाश जी जो कह रहे हैं कि खुद की भर्ती में न्याय नहीं दिला पाए, अरे भाई मेरी खुद की भर्ती में मेरे नाम से आदेश है, ऐसा आदेश जो हमेशा नजीर बन के रहेगा कोर्ट का, जिसके आधार पे 2018 की वेटिंग आई है। उन लोगों को क्या पता, जो लोग केवल इतना ज्ञान रखते हैं वो अपनी अपनी बात रख देते हैं, आप लोगों को गुमराह कर देते हैं। वो आप देख लीजिए 2018 की जो वेटिंग, कुलदीप कुमार बेनीवाल के नाम से जो ऑर्डर हुआ है उसमें मेरे नाम का आदेश साथ लगा हुआ है, कि मोहम्मद असलम वाले आदेश के आधार पे इनको नियुक्ति दी जा रही है, और उनके आधार पे 18 की वेटिंग आ रही है। कोई बात नहीं, गरीब है तो आपका भाई बहुत
दिल से बहुत अमीर है, आप आइए मेरे साथ यहाँ पे ऑफिस में बैठे अपनी बात रखे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके आपको अगर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो मैं अपन आपके आपकी हर बात का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि बेरोजगारी से बड़ी गरीबी और कुछ नहीं है, बेरोजगारी गरीबी से बड़ी मार है। तो आप सभी लोग घर से बाहर निकले, याचिकाकर्ता बन जाएं, कहना माने कहीं किसी प्रकार से। हाँ भाई, लुबीना फातिमा कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने कहा कि आपका हमारा केस नहीं लगा है। लुबीना फातिमा का जो केस है उसी में ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का जिक्र है। उसमें एनसीटी का कोई भी जो गजट नोटिफिकेशन है उसका कोई जिक्र नहीं आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो केस जीता हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। पिटिशनर बनने के लिए क्या करना, तो नीचे दो नंबर लिखे हुए उन पर बात करें, वो सारी डिटेल आपको समझा देंगे। लुबीना फातिमा का जो केस है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी राज्य के नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं है। यानी उन्होंने नाम बीएड वालों का नाम से बहुत बड़ा अखबार में, न्यूज में इस प्रकार की बातें की है। और साथ में इस याचिका का एक बड़ा और पहलू है, इन्होंने सिंगल बेच में ना लगा के डिविजन बेच में लगाया बड़ी रणनीति के साथ। इसलिए कि इसमें आएंगे डीबी में जाएंगे तो डीबी में एजी उतरेगी, सरकार की तरफ से एजी उतरेगा, एडवोकेट जनरल, और वो अपनी बात रखेगा। तो ये केस में दम नहीं है तो याचिका खारिज हो जाएगी। तो लोग इस प्रकार के कह देंगे बीएड वालों की याचिका खारिज हो जाएगी। अरे बीएड वालों का केस आप चिंता ना करें, आपका भाई लड़ रहा है वो अलग केस है, उनके मिंट्स अलग है, उनके ड्राफ्टिंग अलग है, उनका मुद्दा अलग है, वो फंडामेंटल राइट्स के आधार पर लड़ रहा है, हम एनसीटी के रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार से आकातीज बिल्कुल गौरव जी, बादरा तो बहुत नजदीक है, बहुत बार आता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को यह बात ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से जो अन्य केसेज है हमसे जो अलग है, हमारा जो केसेज केस आएगा उनकी सारी बातें आप लोगों के सामने रख दूंगा। मैं पूरे दिन काम करता हूं, उस वजह से मैं समय नहीं दे पाता हूं। तो आप लोग निराश ना होए, कोई भी बात है तो बेझिझक मुझे कॉल करें, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके कॉल के जवाब देने की। यदि लिख रखा बीएसटीसी वाले क्या करेंगे, अब आप सोच लो क्या करेंगे। आप लोगों ने जो किया उसके हिसाब से तो आपको तैयारी करनी चाहिए। पिटिशनर जो भी बनेगा उसकी डिटेल ऑनलाइन शो होगी। आप ये भी चिंता ना करें कि किसी प्रकार से हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, किस प्रकार का होगा, उनकी पूरी डिटेल शो होगी, आपको ऑनलाइन शो मिलेगी। इस केस में ये है वो है, तो पारस जी जो डिटेल चाहिए तो ऑफिस आ जाओ, घर बैठे जो कमेंट कर रहे हैं वो छोड़ो। अशोक, सच कह रहा हूं गलत नहीं कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। और बहुत थक तो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मिलिए इंसाफ जी, बिल्कुल मिलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े।